जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। अगर आप इस भर्ती की एग्जैक्ट कट ऑफ जानना चाहते हैं और रियलिटी इस भर्ती की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बट अगर आप केवल अपने सर्टिफिकेशन के लिए कट ऑफ जानना चाहते हैं कि मेरा इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपको ये वीडियो यहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग इस वीडियो में आप सभी को ना बताया जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम केवल और केवल रियलिटी आप सभी को बताने वाले हैं। हो सकता है कि आपके नंबर इससे काफ़ी कम हो या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम कम से कम कट ऑफ देखना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो स्कोर है उसमें आ रहा हो वही हमें अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा हम इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल नहीं करने वाले। इस वीडियो में जो भी रियलिटी होगी वो आपको बताएंगे जिससे कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो भी फैक्टर होते हैं कट ऑफ के, उन सभी फैक्टर को लेके यहाँ पे आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं और अपडेट आप सभी को पूरी देते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दिया कि कट ऑफ यहाँ पे ग्रुप डी की आप सभी को बताएंगे, तो सबसे पहले एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को बता दें कि 5 फेजेस में ये आपका एग्जाम कंप्लीट होना था। 17 अगस्त से आपका एग्जाम हुआ, लास्ट डेट जो है इसकी 11 अक्टूबर 2022 है। इस दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी आंसर की, कि इसकी कब तक आंसर की रिलीज होगी, तो वो भी आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी को बता देना चाहता हूँ कट ऑफ फैक्टर के बारे में, कि देखिए कट ऑफ को जानने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं कि कट ऑफ किस चीज़ पे डिसाइड की जा सकती है, कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कम रहेगी या कितनी ज़्यादा रहेगी। उसमें अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 6 फैक्टर काम करेंगे आपके। पहली एक चीज़ हो जाएगी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होती है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो होता है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, कि पेपर कैसे लेवल का आया, इजी लेवल का, टफ लेवल का, मॉडरेट लेवल का, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा बात आती है नंबर ऑफ अटेंडेंस, यानी एग्जामिनेशन में कितने लोग अपियर हुए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन के, कितने फॉर्म डाले गए थे और कितने लोग प्रेजेंट हुए, वो सारी चीज़ें। एंड नंबर 5 पे जो बात आती है वो आती है लास्ट वैकेंसी का गैप कितना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ को आप समझिएगा और मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि इस चीज़ को क्यों मैंने ऐड किया है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। आप सभी को बताया कि लास्ट ईयर जो भर्ती थी उसमें नॉर्मलाइजेशन कुछ और टाइप का था, लेकिन इस बार आपके परसेंटाइल बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं कि दोनों भर्तियों का यहाँ पे पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। हालांकि लास्ट भर्ती से इस भर्ती को कंपैरिजन करके आपकी कट ऑफ अगर डिसाइड करी जा रही है तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है और ना इससे कोई आइडिया लग सकता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट आप सभी को बताऊंगा कि इससे कैसे हम चीज़ों को एकदम सही तरीके से देख सकते हैं। तो देखिए आप सभी को बता दें कि 2018 की जो भर्ती थी, आप सभी को बताया कि उसका एग्जाम भी 2018 में कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन ये आपकी भर्ती है 2019 की और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है 2022 में, यानी कि पूरे 3 साल का गैप है आपकी भर्ती निकलने और एग्ज़ाम होने में, जबकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, लगभग 4 से 5 महीने का यहाँ पे गैप था। तो अब आप ये देखिए कि 4 से 5 महीने और कहाँ ये 3 साल, इनमें जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और 2018 से 2022 का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, या कट ऑफ कम थी या ज़्यादा रहेगी, या यहाँ पे कम थी या यहाँ पे ज़्यादा रही थी, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। क्योंकि देखिए टाइम के साथ आपकी एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो तो हमेशा बदलता ही है, लेकिन जो तैयारी होती है वो भी बदलती है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2018 में कंटेंट बहुत कम आप सभी को मिलता था 2022 के मुकाबले। अगर आप 2022 में देखेंगे तो इंटरनेट पर इतना कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि अगर आपने सही से अगर उसका यूटिलाइज़ कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में ना केवल एग्ज़ाम को पास करोगे बल्कि अच्छा खासा यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि लास्ट ईयर में इतनी कट ऑफ थी तो इससे कम ही कट ऑफ रहेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट की देखिए तो टोटल यहाँ पे हम बात कर लें तो टोटल 62,907 वैकेंसी थी, जबकि 2019 में 1,03,779 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी डेफिनेटली ज़्यादा ही है। अब जो एप्लीकेशन अप्लाई हुए थे वो यहाँ पे 1,89,00,000 हुए थे, जबकि 2019 वाली भर्ती में केवल 1,15,00,000, तो इसकी तुलना में काफ़ी कम है। वहीं पे अगर हम प्रेजेंट की बात करूँ तो 60 से 65% लोग ऐसे थे जो कि एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे, जबकि इस बार की भर्ती में देखने को मिला है कि केवल 50 से 55% लोग ही एग्ज़ाम में प्रेजेंट हो रहे हैं।
नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सिंपल नॉर्मलाइजेशन था, किसी के 40 से 60 हो गए थे, किसी के 40 से 55 हो गए थे, इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन था। लेकिन इस बार यहाँ पे परसेंटाइल बेसिस होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनेगी कि यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आपको एक तरह से रैंक दी जाएगी परसेंटाइल बेसिस पे। और उसी रैंक के अकॉर्डिंग जितने, जैसे कि मान के चलिए 103,769 वैकेंसी है, तो इसे इसके 3 गुना कैंडिडेट को अगले स्टेज यानी पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाना है। तो जो 3 गुना कैंडिडेट होंगे वैकेंसी के, उन ऊपर वाले कैंडिडेट को परसेंटाइल के बेसिस पे ले लिया जाएगा जोन वाइज, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी है, जोन वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ले लिया जाएगा। जिस जोन में मान के चलिए किसी में 5,000 वैकेंसी है, तो 5,000 × 3 = 15,000, तो यहाँ पे टॉप परसेंटाइल वाले जो 15,000 कैंडिडेट होंगे उन कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ना कि यहां पे नंबर यानी जो आपके मार्क्स हैं उन्हें बढ़ा के यहां पे लिया जाएगा। तो जैसा कि यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये जो कैंडिडेट थे वो कितने थे, तो नंबर ऑफ वैकेंसी जरूर यहां पे ज्यादा है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, लेकिन 2018 में तैयारी करने के लिए इतना समय नहीं मिला था जितना कि 2019 वाली भर्ती में तैयारी करने के लिए समय मिला है। अगर कोई थोड़ा भी सीरियस रहा होगा तो डेफिनेटली उसकी तैयारी इतनी बेहतर हो गई होगी कि निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकता है। साथ ही में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि अभी आप YouTube की बात ले लें, तो YouTube पे 2018 में इतना कंटेंट नहीं था जितना अभी आपको 2018 के बाद से मिलना स्टार्ट हो गया, और अब तक जिसने तैयारी की होगी उसने लगभग पिछले 3 साल में इतनी अच्छी तैयारी कर ली होगी कि निश्चित तौर पर वो अच्छे नंबर ला सकता है। अब कुछ लोगों का कहना है लेवल का कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम का लेवल है, अब ऐसा तो होता ही है कि भाई जब 4 साल ये भर्ती होगी तो निश्चित तौर पे आपके एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो आपको अप देखने के लिए मिलेगा, डाउन तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था वो पीओन वाला था और अचानक से उठा के इन्होंने यूपीएससी आईएएस का रख दिया, सिविल सर्विसेज का यहाँ पे आपका सिविल जो लेवल है वो रख दिया, तो ऐसा नहीं है। ये पीओन वाला है और मतलब ग्रुप डी वाला ही है आपका, बस ये 4 साल बाद हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसमें बदलाव होने थे जो कि आपको देखने के लिए मिले, इसीलिए आपको एग्ज़ाम का लेवल भी डेफिनेटली हाई लगेगा, क्योंकि 4 साल बाद भर्ती हो रही है तो आप उससे तुलना करोगे, इससे पहले जो भी ग्रुप डी की भर्ती हुई होगी अगर आप उससे तुलना करोगे तो आपको वो भी हल्का लगेगा। तो ये सामान्य तौर पर हमेशा होता है, जब आप 2019 का पेपर दे लो और ये 2022 वाला चल रहा है, कोई कैंडिडेट फेल भी हो जाएगा उसके बाद भी, अगर वो 2 से 3 साल बाद इस पेपर को उठा के देखेगा तो बोलेगा कि मैं 100 में से कम 95 कर दूंगा, लेकिन 2 से 3 साल बाद जब एग्ज़ाम हो चुका होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी तैयारी डेफिनेटली और अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी कट ऑफ डाउन जाएगी। तो ये बात हो गई, तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए, केवल इन्हीं फैक्टर को कंसीडर नहीं किया जा सकता कि इसके बेसिस पे हम ये लगा लें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा हैं और यहाँ पे एस्पिरेंट ने कम अप्लाई किया है और कम यहाँ पे अटेंडेंस है, तो इसके बेसिस पे इसकी कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ बदली हैं तो कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे बदली हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने देखते हुए आपके लिए जो कट ऑफ है वो तैयार की है। तो अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए हमने कट ऑफ किया, जनरल के लिए हमने एक्सपेक्टेड जो हमारी कट ऑफ है वो 65 से लेके 68 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल कैटेगरी में। बहुत सारे लोग बहुत ही इजी समझ गए होंगे जो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर की हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, मैंने 57 से 60 रखी है, लेकिन हो सकता है कि इसकी कट ऑफ और भी कम देखने के लिए मिले। उसका रीज़न ये है कि आप सभी को बता दें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फरवरी 2019 में आपकी आई और आपके मार्च में इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे रेलवे ग्रुप डी के। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 महीने का समय था, तो 1 महीने के समय के अंतराल में बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। अगर जिन्होंने बनवा लिया होगा निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 60 से लेकर 65 तक इनकी कट ऑफ हो सकती है, एससी कैटेगरी में 53 से 57 तक और एसटी कैटेगरी में 48 से 52 तक। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का ऐसा भी कहना है, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज या किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हो सकता है कि 55 से 57-58 तक जाए, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने बनाई है। हो सकता है कि उनका आइडिया सही हो या जो भी चीज़ें उन्होंने एनालिसिस करी हैं वो सही हो, लेकिन आप खुद सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। पेपर निश्चित तौर पे टफ था पहले से, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पेपर टफ क्यों था, वो रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वैकेंसी का गैप आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, एग्ज़ाम का गैप समझने की कोशिश करिए, 4 साल का अगर गैप होगा तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम का लेवल हाई
हो जाता है। इसके अलावा बात आती है आंसर की कि कब तक इसकी आंसर की आ जाएगी, तो आप सभी को बता दें लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2022 में आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी, यानी कि आपका जो है 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 30 अक्टूबर तक यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की होगी वो रिलीज़ कर दी जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पे इनकी जो आंसर की एग्ज़ाम के साथ साथ कंप्लीट होती जा रही है, और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद इसकी एग्ज़ाम की जो आंसर की है उसे भी रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। और मार्च अप्रैल 2023 का टारगेट रखा गया है ज्वाइनिंग करवाने का, तो निश्चित तौर पर सारी चीज़ें एकदम से पूरी करवा ली जाएंगी समय से। तो आई होप इस वीडियो में आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम यहाँ पे चीज़ों को कवर करने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आपको इसी तरीके से मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।